नमस्कार, क्राइम पेट्रोल में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं उत्तराखंड परिक्रमा। मैं हूं कैलाश बिष्ट और आज उत्तराखंड परिक्रमा में सबसे पहले हम बात करेंगे जोशीमठ की, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह ही नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की और जोशीमठ समेत पूरे प्रदेश वासियों के लिए खुशहाली की कामना की। आज सुबह जोशीमठ स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश एवं जोशीमठ वासियों के कल्याण की कामना की। विदित हो कि मुख्यमंत्री दो दिवसीय जोशीमठ प्रवास पर कल देर सायं पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आज भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। रुख हरिद्वार का करेंगे, जहाँ के जिलाधिकारी ने आज यातायात सप्ताह मनाने के एवज में यातायात रैली को रवाना करते हुए लोगों को जागरूक करने का काम किया। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आम जनमानस को जागरूक करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 11 से 17 जनवरी 2023 तक सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वाहन चला रहे हैं या सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, लोगों को जागरूक किया जाए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को बताया जाए, साथ ही साथ ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं उसका अनुपालन किया जाए, शराब पीकर गाड़ी न चलाई जाए, इन सब चीज़ों का एक जागरूकता सप्ताह है ये। और अभी यहाँ पर काफ़ी लोगों में उत्साह था, बड़ी संख्या में लोग आए थे। देखिए, हम लोगों का बस यही एक संदेश है कि कहने को तो ये एक सप्ताह का होता है सड़क सुरक्षा, लेकिन ये पूरे 365 दिन लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि वो वाहन नियमों के अनुरूप चलाएं, निर्धारित गति सीमा में चलाएं, अपना जीवन भी सुरक्षित रखें और सड़क पर चलने वालों का भी जीवन सुरक्षित रखें, जिसका उद्देश्य सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को यातायात के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन केवल सप्ताह भर करने से नहीं, बल्कि पूरे साल 365 दिन यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। ये 11 तारीख से 17 तारीख तक चलेगा। जो बेसिक इसके पीछे थीम है कि सबको जागरूक करना, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे भावी जो हमारे चालक कहेंगे, जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा होते हैं, जो चालक बनते हैं, 18 साल के बाद लाइसेंस मिलता है, साथ ही साथ जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं सभी को इसके बारे में जागरूक करना है और इसमें प्रमोट करना है कि सेफ्टी क्या प्रिकॉशंस होते हैं, घायलों की मदद करते हैं जो एक्सीडेंट्स में, उनकी जो स्कीम है उसके बारे में भी इनको जागरूक करना है कि घायलों को मदद करेंगे तो आपको सरकार की तरफ से रिवॉर्ड भी है। तो इसी को लेकर सभी लोगों को इसमें शामिल किया गया, चाहे वो युवा हों, छात्र हों, चाहे वो आम जन लोग हों, और इनको रिवॉर्ड करने का भी रखा गया है। जो अच्छे नियमों को पालन करेगा उसको भी हमारे ट्रैफिक और आरटीओ विभाग की तरफ से इस सप्ताह के दौरान रिवॉर्ड किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का पालन करना किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए सुरक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। जहां हरिद्वार में यातायात रैली का आयोजन किया गया, वहीं हरिद्वार के कुछ क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है, लेकिन शुक्र मनाइए कि इन हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। धर्मनगरी हरिद्वार में रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों का आने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हरिद्वार कनखल थाना क्षेत्र के जगजीतपुर में रोड पर हाथियों का झुंड आने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि जिस वक्त हाथियों का झुंड सड़क पर आया कोई हादसा नहीं हुआ, क्योंकि आसपास काफी संख्या में लोग इकट्ठा थे। वन विभाग द्वारा क्षेत्र में जंगली हाथियों को आने से रोकने के लाख दावे किए जाते हैं, मगर वन विभाग के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस की, जिस मौके पर अल्मोड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रोफेसरों ने शिरकत की। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में नेहरू युवा केंद्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सामूहिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई युवाओं ने शिरकत की। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कुलपति ने बतौर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आज यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भी और मतलब नेहरू युवा केंद्र, ये दोनों के संयुक्त आयोजन में स्वामी विवेकानंद के 160वीं जयंती के शुभ अवसर पर मतलब युवा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये जैसा कि ये हम सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ये संपूर्ण भारत क्या पूरे विश्व के लिए एक आदर्श पुरुष हैं।
इस दौरान उन्होंने युवाओं से स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में उतारने और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। अल्मोड़ा से क्राइम पेट्रोल के लिए हिमांशु लटवाल की रिपोर्ट। और अब बात भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ उत्तराखंड की, जिन्होंने एक नायाब तरीका निकालते हुए जोशीमठ में आपदा पीड़ितों के लिए राहत देने का काम किया। दरअसल तमाम आईएएस अधिकारियों ने जनवरी महीने की एक दिन का वेतन अपना कटवाया है ताकि मुख्यमंत्री राहत कोष में यह पैसा जा सके और यहां से लोगों की मदद की जा सके। भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष आनंद वर्धन ने जोशीमठ में हाल ही में आई आकस्मिक आपदा से प्रभावित परिवारों के सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा उत्तराखंड के सभी अधिकारियों की जनवरी महीने की एक दिन के वेतन में कटौती करते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि जोशीमठ में आई आपदा से जहां जोशीमठ वासी परेशान हैं, वहीं अधिकारियों ने अपना एक दिन का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का फैसला लिया ताकि जोशीमठ में रह रहे लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम पेट्रोल। तो उत्तराखंड परिक्रमा में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड परिक्रमा में कुछ अहम खबरों के साथ। आपको उत्तराखंड परिक्रमा कैसे लगा, आप हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी अफजाल अहमद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।